तो इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये फ्लिपकार्ट पे कितने का मिलता है। 821 रुपये यहाँ आपको कॉस्ट दिख रही है, हो सकता है कि आपको सस्ता मिल जाए, ऑफर्स चलते रहते हैं, तो प्लीज़ एक बार ये ऑफ़र ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो वेल दोस्तों, हमें ये जो टेबल मिला है ऑनलाइन, जतिन जायसवाल ने कोलकाता से मेरी बेटी के बर्थडे पे स्पेशल उन्होंने ये हमें भेजा है, तो हमने सोचा क्यों ना इसके लिए हम आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो तैयार करें। तो आप इसकी यहाँ डेप्थ ये सब देख सकते हैं, 40 सेंटीमीटर्स विथ 60 सेंटीमीटर एंड हाइट है 27 सेंटीमीटर, और डिस्क्रिप्शन में बहुत कुछ लिखा है। बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई कि ये मल्टीपर्पज़ से किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ऑफिस के काम के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए अब मैं आपको अनबॉक्सिंग की वीडियो की तरफ ले चलता हूँ, और अगर आपको बाय करना तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारा स्टडी टेबल ऑनलाइन आ चुका है, तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले दिखा देते हैं कि हमारे पास जो पहला स्टडी टेबल था बच्चों के लिए था, उसका साइज़ कितना था, वो इतना था। और अब हमारे पास जो आया है उसकी हम अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। तो पहले जो नॉर्मल हम यूज़ कर रहे थे, यह हमने ऑफलाइन मार्केट से लिया था जो कि पुराना हो चुका है, तो इसीलिए अब हमने काफ़ी सर्च करने के बाद फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन ऑर्डर किया गया है और ये हमारे पास आ गया है। तो इसका क्रेडिट जाता है जतिन जायसवाल को जिन्होंने ये हमें भेजा है। तो हम इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर एग्जैक्टली कैसा है, जैसा ऑनलाइन दिखता है क्या वही मटेरियल है। तो इसे अब हम स्टार्ट करते हैं, अनरैप करना स्टार्ट करते हैं। अंदर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी टाइट फिटिंग है, मतलब ज़रा सा भी स्पेस में हवा तक ना घुसे। और ये देखें भाई, जैसा मतलब फ़ोटो में दिख रहा था मुझे सेम वैसा ही आया। ओ ढक्कन निकल गया, सॉरी। तो ये देखिए, साइड से ये थोड़ा सा कर्व है और उधर से एकदम फ्लैट है इसके, और राउंड शेप है, कॉर्नर इसके एकदम गोलाई में है जिससे कोनी लगने का खतरा नहीं रहता, तो ये बहुत अच्छी बात है। और पलट के देखें तो देखिए स्टैंड जो है इसका भाई काफ़ी मजबूत लग रहा है, वो टाइट है, बहुत बहुत टाइट है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप रखो तो ये थोड़ा बहुत भी हिलेगा, एक बार खोलने के बाद ये फिक्स रहता है। तो काफ़ी अच्छा मटेरियल मिला है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होगा, तो काफ़ी देखने में तो अच्छा लग रहा है। नट बोल्ट भी टाइट हैं इसके, तो क्वालिटी में तो दम है। ऑनलाइन मतलब कि अच्छा है, आप बाय कर सकते हैं, रेकमेंड करूंगा मैं इसे, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहां से इसे देख सकते हैं। रिव्यू इसका मैं कर रहा हूं आपके लिए, तो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा मिला है। तो चलिए इसका हम बैक तो देख लिया, इसे फोल्ड करके अब कंपेयर करके देखिए जो ऑफलाइन मार्केट से हमने लिया था इसमें और उसमें कितना फ़र्क है। एक तो साइज़ का साफ अंतर दिख रहा है, ये छोटा भाई वो बड़ा भाई, वो अपडेट वर्जन है, तो इसे रखते हैं साइड में, बात हम इसकी कर रहे हैं। तो चलिए अब ज़रा इसे सीधा करके देख लेते हैं। तो ये ओवरऑल स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है, लंबा चौड़ा है, मतलब कि आप इजीली अगर आपको ऑफिस का काम भी करना है ना, तो आप आराम से इसके ऊपर लैपटॉप रख के काम कर सकते हैं, और एक मल्टीपर्पज़ से यूज़ किया जा सकता है, बच्चों की स्टडी के लिए, राइटिंग के लिए, ड्राइंग विड्रॉ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना ऑफिस का काम भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल तो क्वालिटी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही थर्ड क्लास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। और ऑफिस का काम अगर घर पे आप करते हैं, वर्क फ्रॉम होम तो कर सकते हैं। टैबलेट स्टैंड ये देखिए, मतलब कि एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऑन टेबल ही मिल गया, कि अगर आपको अपना कुछ सामान या वीडियो भी देखने, बैठे बैठे भी देखने थक गए, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, तो भाई ये स्टैंड जो इन्होंने स्पेस दिया हुआ है इसमें आप टैबलेट ईजिली रख सकते हैं। और देखिए तो फ्लिपकार्ट से आप इसे बाय कर सकते हैं, अमेज़ोन पे भी मिलता है, तो आप इसे ज़रूर ले सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी और अनबॉक्सिंग के साथ। बाय।